हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप GTA San Andreas गेम में प्रोजेक्ट ट्रॉप्स मोड को कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। सो गाइस, इंस्टॉलेशन की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक कर देना, और ऐसे ही मॉडिंग वीडियोस के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। सो गाइस, चलिए देखते हैं इसे इंस्टॉल कैसे करना है। तो आपको सिंपली तीन फाइल्स को डाउनलोड कर लेना है। तीनों का डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आपको तीनों फाइल्स को सेलेक्ट करके एक्सट्रैक्ट कर लेना है। तो तीनों फाइल्स के एक्सट्रैक्ट होते ही आपको इसेंशियल्स वाला फोल्डर ओपन कर लेना है। यहाँ से आपने इन सारी फाइल्स को कॉपी कर लेना है और अपने GTA San Andreas के गेम फोल्डर में पेस्ट कर देना है। एंड यहाँ पर आपको कॉपी एंड रिप्लेस पे क्लिक कर लेना है। सो गाइस, ये फाइल्स इंस्टॉल हो चुकी है। अब आपको ओपन लिमिट एडजस्टर के फोल्डर में जाना है। यहाँ पर आपको दो फाइल्स मिलेंगी, इन दोनों फाइल्स को आप कॉपी कर लीजिए। अब GTA San Andreas के गेम फोल्डर में जाकर पेस्ट कर दीजिए। सो गाइस, अब हमें प्रोजेक्ट प्रॉप्स मोड को इंस्टॉल करना है, तो आपको फोल्डर में जाना है। यहाँ पर आपको ऑप्शनल नाम से एक फोल्डर मिलेगा, इसे आप ओपन कर लीजिए। और यहाँ पर आपको दो फाइल्स मिलेंगी, इन दोनों फाइल्स को आप कॉपी कर लीजिए। अब आपको जो तीसरा फोल्डर है प्रोजेक्ट प्रॉप्स वाला, इसमें जाना है। यहाँ से आपको डेटा फोल्डर ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको इन दोनों फाइल्स को पेस्ट कर देना है। तो अब आपको बैक जाना है और यहाँ से आपको प्रोजेक्ट प्रॉप्स के फोल्डर को कॉपी कर लेना है। अब आप GTA San Andreas के गेम फोल्डर में चले जाइए। यहाँ पर आप मॉड लोडर फोल्डर ओपन कर लीजिए और यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। सो गाइस, ये मॉड सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। तो चलिए इस मॉड को गेम में देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये मॉड सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है हमारे गेम में। और यहाँ पर आपको रैंडम सी चीज़ें पड़ी हुई मिलेंगी। तो इस मॉड की मदद से यहाँ पर रैंडम ऑब्जेक्ट्स ऐड हो जाएंगे कुछ इस तरह से, और ये पूरे गेम में आपको मिलेंगे। आप कहीं पर भी चले जाओ मैप में, हर जगह पर आपको ये मिलेंगे। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि ये ऑब्जेक्ट पहले नहीं था, बट अब यहाँ पर ये आ चुका है। और यहाँ पर भी कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐड हो चुके हैं, और ये सब ऑब्जेक्ट्स गेम को काफ़ी ज़्यादा एनहेंस कर देते हैं और रियलिस्टिक बना देते हैं गेम को। तो यहाँ पर एम्प्टी स्ट्रीट्स पर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स ऐड हो चुके हैं जो कि गेम को काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना देते हैं। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स ऐड हो चुके हैं जो हमने पहले गेम में कभी नहीं देखे, क्योंकि कुछ ऑब्जेक्ट्स GTA 5 से ऐड हो चुके हैं। और मैं आपको ग्रूव स्ट्रीट में भी दिखा देता हूँ कुछ ऑब्जेक्ट्स को। सो गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ग्रूव स्ट्रीट में भी काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स ऐड हो चुके हैं जो कि गेम में पहले नहीं थे, और ये आपको पूरे मैप में देखने को मिलेंगे। सो गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये डॉग हाउस पहले नहीं था, बट अभी यहाँ पर ऐड हो चुका है जो कि GTA 5 से है। और यहाँ पर भी कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐड हो चुके हैं। और आपको यहाँ पर भी कुछ ऑब्जेक्ट्स देखने को मिल जाएंगे। सो गाइज, आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर ये आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे ही मॉडिंग ट्यूटोरियल्स के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। पर सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को ऑन ज़रूर कर लेना ताकि आप कोई नोटिफिकेशन को मिस ना करो। It's hard to breathe, but that's all right.